हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस, मैं आज बना रही थी घर पर पकोड़े, क्योंकि हो रहा था शाम का टाइम और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और मन कर रहा था कि मैं कुछ चटपटा खाऊं। तो मैंने लिया बेसन और उसके अंदर डाली मैंने पतली पतली और लंबी लंबी प्याज, और फिर मैंने डाले अपने आलू। आलू मैंने बहुत पतले पतले काटे थे, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्च, और हरी मिर्च के बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया और डालूंगी मटर। और आप लोग अगर चाहें तो इसके अंदर पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों ही डाल सकते हैं। मैंने बस यही सब्जियाँ ली थी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं थोड़ा कम ही डालूंगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल रखी है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक टेस्ट के अनुसार, और फिर अब मैं इसका अच्छे से बैटर रेडी कर लूंगी। और बैटर रेडी करने के लिए मैं पहले इसके अंदर थोड़ा ही पानी डालूंगी, ताकि अचानक से ज़्यादा ना हो जाए। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी, और अब ये बैटर रेडी होने वाला है मेरा। अब इसके अंदर ज़रा सा पानी और ऐड करूँगी, मेरा बैटर तुरंत रेडी हो जाएगा। और अब मैंने साइड में रख ली थी मेरी एक कढ़ाई, जिसमें हो रहा था तेल अच्छे से गरम। और अब मैं इसके अंदर बनाऊंगी अपने पकोड़े। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर लेके अपने पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और मैंने साइड में ये अपनी चाय भी चढ़ा रखी थी, ताकि और चाय के साथ और पकोड़ों के साथ मज़ा ही आ जाता है। और अब ये मेरे पकोड़े रेडी होने वाले हैं। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था एकदम। थोड़ा थोड़ा बैटर लेके मैंने इतने अच्छे से ये पकोड़े रेडी कर लिए हैं। देखो, मेरे पकोड़े क्रिस्पी भी हैं, लग भी रहे हैं और बने भी क्रिस्पी हैं। और अब मैंने इनको अपनी चाय के साथ और इमली की चटनी के साथ सर्व किया, और आप लोग भी ज़रूर बना के खाएं अपने घर पे, और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि कैसे बने आपके।